भिलाई में देशी और अंग्रेजी शराब की दुकानों को हटाने की मांग को लेकर युवा शक्ति संगठन का प्रदर्शन देखने को मिला है। दरअसल संगठन ने सीएम निवास तक पदयात्रा निकालने की तैयारी की थी, लेकिन प्रशासन ने इन्हें सड़क पर ही रोक दिया, जिसके बाद प्रदर्शनकारी सड़क पर बैठकर नारेबाजी करने लगे। इस दौरान तहसीलदार श्यामा येदु, सीएसपी कौशलेंद्र पटेल मौके पर पहुंचे, साथ ही कलेक्टर के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया है। देसी शराब दुकान और अंग्रेजी शराब दुकान है, यहाँ से हम लोग का निकल पाना दुभर हो गया है। यहाँ पे हजारों लोग आवागमन करते हैं, शाम को असामाजिक तत्व यहाँ पे उपद्रव करते हैं, मारपीट की घटनाएं भी हो चुकी है। अभी यहाँ पे पुलिस के कर्मचारी को भी एक कालर पकड़ के शराबी द्वारा अभद्र व्यवहार किया गया। और गदा चौक से मुख्यमंत्री निवास तक का पदयात्रा का शांतिपूर्ण रूप से हम ज्ञापन का एक रूपरेखा तैयार की है। और निश्चित तौर पर ये जो शराब भट्टी है अच्छी मार्केट में, दोनों रोड के मुख्य मार्केट दोनों तरफ है, और आए दिन मतलब सप्ताह भर के अंदर में देखिए आप सामाजिक तत्वों द्वारा यहाँ पे मार्केट